चलिए आज बनाते हैं आलू मटर की सब्ज़ी बड़े ही आसान तरीके से। पहले तो मैं बहुत जल्दी जल्दी में खाना बना रही थी, फिर मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करनी चाहिए क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगती है ये, मैं हर बार बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया कुकर, उसमें 3 चम्मच तेल डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया, अच्छे से भून लिया, 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है काट के, उसे अच्छे से भून लेना है हमें। फिर उसमें सूखा नारियल होता है जो भून कर पीस के रखती हूँ मैं हमेशा, मुझे कभी भी लगता है तो मैं उसे डायरेक्ट डाल सकती हूँ, तो वो डाल दिया मैंने 2 चम्मच। टमाटर डाल दिए मैंने 1 मीडियम साइज़ का, अच्छे से भून लिया। नमक डाल दिया 1/2 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर डाल दिया है, और लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कितना तीखा पसंद करते हैं तो और डाल सकते हैं। अच्छे से भून लेना है, फिर आलू और मटर डाल देना है हमारे इसमें। इस देखो इस तरीके से मैंने काटा है, आप जैसे चाहे वैसे पीस कर सकते हैं आलू के, आपकी मर्ज़ी है। अच्छे से भूनना है हमें 2 से 3 मिनट मसालों में। फिर इसमें पानी ऐड करना है, आपको जितनी ग्रेवी बनानी है आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। फिर बॉयल आने के बाद इसमें डाल देना है हरा धनिया, फिर 2 मिनट पकाने के बाद इसका लगा देना है ढक्कन, अच्छे से इसे 2 सीटी लगानी है हमें। 2 सीटी के बाद ये देखिए हमारा आलू मटर एकदम तैयार है। आप भी ज़रूर बनाइए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी है रेसिपी, बहुत ही टेस्टी लगती है ये, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। मुझे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खाओ पियो मज़े करो।